देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, हमने आते ही ये खनिज रॉयल्टी वगैरह डेढ़ गुना कर दिया, वो पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। वो राज्य कौन है जहां सबसे ज्यादा खनिज है? ये जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूं ना, उसकी जड़ उसमें है, क्योंकि वो खनिज सबसे ज्यादा हमारे पूर्वी इलाके में है देश में, वह उनको लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ, पैसा किसको जाएगा? ये सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की होगी उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% दे रहा, ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है इतने रुपये रखे। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग। इतना ही नहीं, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए अलग। ये सब मैं मिलाऊ ना तो करीब करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार ये जान करके आपको भी आनंद होगा, और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी मैं कहता हूं, चाहे उनका भी ध्यान नहीं होगा, आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए, और उस काम को हम कर रहे हैं और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है और कोई रंग दिखता नहीं।